हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन। हमारे इस कोर्स कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी के अंदर हम चौथे लेक्चर के ऊपर आ गए हैं। आज हम चौथा चैप्टर डिस्कस करने वाले, सो दैट इज प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, उनका महत्व क्या है, क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, और क्या एक्चुअली में प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, हम इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर ऑन प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि दिया क्या गया है, एक्चुअली उसकी रूपरेखा क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो आपके सामने फोटो है, दिस इज प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो सबसे पहला, किसने बनाया है इसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या बताई गई यहाँ पे। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम डेमोक्रेसी हैं। यहाँ पे जितनी भी सत्ता है वो किसके थ्रू जाती है, वो लोगों के थ्रू जाती। अगर लोग डिक्लाइन कर दे कि हम उस इंसान को पावर नहीं देना चाहते, तो उस इंसान को पावर नहीं मिलेगी। सेम थिंग अप्लाइज टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो पावर मिली है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी जिन्होंने फ्रेम किया है वो है हम लोग, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। अब आप में से उठ के कोई ऐसा मत बोलना कि सर हम तो थे ही नहीं वहां पे, ना हमारे पूर्वज थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे। इतने सारे लोग एक साथ तो इकट्ठे नहीं हो सकते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, हमारे नुमाइंदों ने बैठ के हमारे लिए संविधान बनाया। आगे चलते हैं और समझते हैं कि किन किन चीजों को हमें हमारे संविधान के अंदर लाना है, हमारे देश के अंदर लाना है, हम हमारे देश को किस तरीके से देख रहे हैं, वो चीजें यहां पे बताई गई। सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इस तरीके का हम हमारा देश देख रहे हैं, इस तरीके का हम हमारा संविधान देख रहे हैं। अब हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है उसको हम आगे जाके एलेबोरेट करेंगे, उसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे और सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल हम ये चीज देख पा रहे हैं कि हम हमारे भारत को, हम हमारे संविधान को इस तरीके से देखना चाहते हैं, उसके अंदर ये फीचर्स चाहते हैं। और किस लिए चाहते हैं, क्यों ये सारे फीचर्स हम हमारे संविधान में चाहते हैं, कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव तो होगा हमारा, कोई गोल होगा हमारा, तो वो गोल के बारे में यहाँ बताया गया। हम जस्टिस देना चाहते हैं, किस प्रकार का, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमारी जनता जो है, हमारे नागरिक जो है, उन्हें हम जस्टिस देना चाहते हैं और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। अब आगे चलते हैं और अगला समझते हैं, दैट इज लिबर्टी, आजादी देना चाहते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। इस तरीके की हम आजादी देना चाहते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैं आराम से बोल पा रहा हूं, मुझे अगर क्रिटिसाइज भी करना है किसी सरकार को तो मैं कर सकता हूं, हम लोकतंत्र के अंदर रहते हैं। उसी के साथ साथ मैं किसी भी धर्म में मानता हूं, मुझे पूजा करने की पूरी आजादी है, मुझे टोका नहीं जा सकता, मुझे रोका नहीं जा सकता। तो ये हो गई मेरी लिबर्टी, ठीक है, इसे हम कहते हैं लिबर्टी, आजादी। किसी भी इंडिविजुअल के जो एक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उस पर अननेसेसरी बार नहीं लगाए जाते, अननेसेसरी लिमिटेशन नहीं लगाई जाती। अगेन आई एम सेइंग अननेसेसरी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो जब हम ये लिबर्टी को डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज इक्वालिटी, नेक्स्ट इज इक्वालिटी। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल। हम हर एक इंसान को इक्वल चाहते हैं, इक्वल इन द सेंस जो नॉर्मल और नेचुरल इन इक्वेलिटीज हैं वो तो चलो हम अलग नहीं कर सकते, बट हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी तो इक्वल दे सकते हैं। हर एक इंसान को हम ये तो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उसी के साथ साथ हर एक इंसान का हम स्टेटस इक्वल कर सकते हैं कि अगर वो गरीब है तो वो भी उसी लेवल का नागरिक है जिस लेवल का नागरिक एक अमीर इंसान है, दोनों के पास एक ही वोट है और दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके के लिए हम स्टेटस के अंदर इक्वलिटी चाहते हैं और साथ ही साथ हम अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी चाहते हैं कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फिर बात आती है फ्रेटर्निटी की, भाईचारा। हम जितने भी भारतीय हैं, आप देख लीजिए इंडिया के अंदर इतने तरीके के कल्चर हैं जितने तो किसी देश के अंदर नहीं पाए जाएंगे। इतनी बोले जाने वाली भाषा,
इतने तरीके के रिलीजन, कास्ट, और कास्ट के अंदर भी आप सब सेक्शन में चले जाएं तो जातियां कितनी है, फिर भी हम क्या है, इंडियंस की तरह रहते हैं। जो ब्रदरहुड है उसे कायम रखना है, उस यूनिटी को कायम रखना है, उस इंटीग्रिटी को कायम रखना है। तो ये चीज ध्यान देने वाली, ठीक। अब आगे यहां पे बताया गया है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो लास्ट डेट दिखी गई है दैट इज 26th नवंबर 1949, ठीक। तो ये डेट के दिन हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था, उस पर सिग्नेचर हो गए थे, उसे अडॉप्ट कर लिया था। बट इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950, क्योंकि 1930 के अंदर क्या है, हमने संपूर्ण स्वराज की शपथ ले ली थी कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, किसी भी तरीके का डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो तब पहली बार इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया गया था, इसलिए उस दिन को याद रखने के लिए, उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 के दिन से हमारा संविधान लागू करने का सोचा। तो ये इसके रीजन था। यही चीजें इस स्लाइड के अंदर लिखी गई हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे। पहली चीज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जो नागरिक हैं वो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। What is the nature of Indian Constitution? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फीचर क्या है, हम किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन और देश देखना चाहते हैं, तो दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। हम इस तरीके की पॉलिटी देखना चाहते हैं, इस तरीके की राज्य व्यवस्था देखना चाहते हैं। किस चीज के लिए, हमारे गोल्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गोल्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जितने भी टर्म है जो आपके सामने देखने को आपको मिल रही है, जो 9 टर्म है, इन्हें हम एक एक करके इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे हम। आगे चलते हैं, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, तो ऑन 26th नवंबर 1949। ये सारी चीजें देखिए हमने यहीं पर डिस्कस कर ली और इसी के अंदर समझ ली थी। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, हो सकता है किसी एमसीक्यू में या स्टेट पीएससी आपसे पूछ ले। आगे चलते हैं और एक एक करके हर एक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली टर्म है सोवरेन। अब सोवरेन टर्म को अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं, एकदम लेमेंस लैंग्वेज में, तो इट सिंपली मींस कि अगर एक नेशन सोवरेन है तो उसके डिसीजन को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक। अब इंडिया सोवरेन हो चुका है, मतलब बाहर इंग्लैंड होगा, यूएसए होगा, और भी कोई कंट्री मान लीजिए, ये जितनी भी कंट्री है, इवन रशिया, जितनी भी मान लीजिए, ये हमारे इंटरनल मैटर या फिर जिस भी तरीके का हम एक्सटर्नल अफेयर रखना चाहते हैं उस पर कोई भी तरीके का हम पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, उसे इंपैक्ट नहीं कर सकते, उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अगर यहां तक मैं ये भी कहूं कि इंडिया चाहे तो किसी के साथ भी वॉर कर सकता है और किसी के साथ भी पीस कर सकता है, इस पे डिसीजन किसका रहेगा, तो इस पे इंडियंस का डिसीजन रहेगा। और इंडियंस के अंदर भी स्पेसिफिकली कौन, इंडियंस के अंदर भी स्पेसिफिकली इंडिया की गवर्नमेंट। सो दिस इज व्हाट मींस सॉवरेनिटी, मतलब हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारा किसी भी तरीके का निर्णय उस पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होगा किसी भी बाहर की बॉडी का। अब इसी के साथ साथ ये और इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब हम इसका इंटरनल आस्पेक्ट भी समझ लेते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी कई लोग होंगे जो पूंजीवादी हैं, ठीक है। ये सपोज करो ये 2 यूनिट है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने यहां बनाई, ये 2 यूनिट जो है काफी पावरफुल है इंडिया के अंदर। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट मान लीजिए या कोई भी बिजनेस क्लास का इंसान मान लीजिए, ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इन्होंने क्या किया, इंडिया की पॉलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, इन्होंने ये चीज चाही कि हम जो है प्रेशराइज करें इंडिया को हमारे लिए फेवरेबल हो ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए, तो ये भी नहीं कर सकते। मतलब सॉवरेनिटी के 2 आस्पेक्ट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, मतलब अंदर की कोई ताकत भी भारत के जितने भी लिए गए निर्णय हैं उसको बदल नहीं सकती, उसे इंपैक्ट नहीं कर सकती। अब जब मैं इंपैक्ट करने की बात कर रहा हूं और इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहा हूं, तो ये वर्ड मैं लेजिटिमेट वे में यूज कर रहा हूं, मतलब गलत तरीके से तो बहुत बार इन्फ्लुएंस किया जाता है, पैसे देके, करप्शन के थ्रू या फिर वायलेंस के थ्रू, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा,
मैं लेजिटिमेसी के साथ बात कर रहा हूं, हक की बात कर रहा हूं, तो हक से कोई भी नहीं कर सकता। वैसे ही एक्सटर्नली भी कोई हमारे जो इंटरनल अफेयर है या एक्सटर्नल अफेयर है उनके बीच में इंटरवीन नहीं कर सकता, उनके बीच में नहीं आ सकता। सो इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिया जिस भी तरीके का निर्णय लेना चाहे, जो भी डिसीजन लेना चाहे वो ले सकता है, यहां तक कि किसी भी कंट्री से वॉर भी कर सकता है और किसी भी कंट्री के साथ संधि भी कर सकता है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो दिस इज व्हाट मींस सोवरेनिटी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया जो है वो सोवरेन है। इंडिपेंडेंट होना और सोवरेन होना दोनों में थोड़ा फर्क आ जाता है। इंडिपेंडेंट होना मतलब आजाद होना, सो काइंड ऑफ दैट इज वेग टर्म। बट जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस का एक टर्म है जो साफ साफ ये डिनोट करता है कि आप डिसीजन मेकिंग में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और आप पे किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं है, आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं और अगली टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट टर्म जो है वो ऐड की गई बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो क्या इसका मतलब हम उससे पहले सोशलिस्ट नहीं थे? क्या है सोशलिस्ट वो पहले समझ लेते हैं। तो सोशलिज्म की जो थियरी है या जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि हमें लोगों का ध्यान रखना चाहिए, सोशल वेलफेयर मतलब समाज का जो है हमें उद्धार करना चाहिए, समाज का भी ध्यान देना चाहिए। मतलब सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो उन्हें पैसे दें, अगर किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है तो उन्हें घर दें, उन्हें पेंशन दें, उन्हें वेलफेयर स्कीम्स दें, जो वल्नरेबल है उनका ज्यादा ध्यान रखें। तो जितनी भी चीजें आप इंडिया में देख पा रहे हैं, जैसे अलग अलग स्कीम देख पा रहे हैं, तो ये हमारे सोशलिस्ट फीचर है, ये हमारे सोशलिज्म वाले फीचर, ठीक। तो इसके अंदर यह बताया गया कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया 1976। तो क्या हम एक्चुअली में नहीं थे सोशलिस्ट उससे पहले? दूसरा क्वेश्चन देखो मैंने ये लिखा, जी नहीं ऐसा नहीं है, हम सोशलिस्ट हमेशा से रहे। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि जो भी चीज सोशलिस्ट ऐड किया गया है वर्ड, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, हम वी वर सोशलिस्ट बिफोर एज वेल। इसके दो एग्जाम्पल हम देख सकते, एक तो कांग्रेस सेशन, कांग्रेस ने आवादी में सेशन किया था इन 1955। ये सेशन के अंदर उन्होंने कसम खाई थी कि हम जो है इंडिया का पैटर्न सोशलिस्ट पैटर्न रखना चाहते हैं इकोनॉमी का, ठीक है, हम लोगों का उद्धार करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान रखना चाहते हैं, हम वेलफेयर करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ आप दूसरा देखेंगे तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑब्वियसली आपने अभी तक नहीं पढ़ा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट आपको मैं अगर आसान शब्दों में कह दूं, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते बट हम लोगों को पूछ सकते हैं। लोग कौन? हमारे MPs, MLAs को पूछ सकते हैं कि साहब आपने ये चीजें इंप्लीमेंट क्यों नहीं करी, अब हम आपको वोट नहीं देंगे। सो दीज आर नॉन जस्टिशियबल राइट्स, ये एक तरीके से डायरेक्टिव्स हैं सरकार के लिए कि साहब आपको ये काम करने हैं हमारी जनता के लिए, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1976 से पहले भी सोशलिस्ट थे, उससे पहले भी हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट फीचर थे। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके का सोशलिज्म है इंडिया का। देखो सोशलिज्म एक ऐसी हैट है जो भी इंसान पहनेगा उसके सर के हिसाब से ढल जाएगी। सोशलिज्म के बहुत सारे वेरियंट है, गिल्ड सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो हम किस तरीके का सोशलिज्म जो है हमने अपनाया है उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो ये चीज जो है मार्क्स ने दी। अब आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब हम PSIR ऑप्शनल के वीडियोस लेके आऊंगा मैं आपके लिए, तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल एक ओवरव्यू ले लेते। तो मार्क्स ने ये कहा कि देखिए क्लास जो है वो दो में बटी हुई है, एक है हैव्स और एक है हैव नॉट। आप पुराने समय में भी देख लीजिए, पहले मास्टर था और स्लेव थे, फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड आए और सर्फ आ गए, अब आप देख रहे हो तो कैपिटलिस्ट आ गए और लेबर क्लास आ गई। तो हमेशा जो हमारी सोसाइटी है वो दो वर्गों में बटी हुई है, एक के पास बहुत ज्यादा है और दूसरे के पास बहुत कम। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास ज्यादा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है अगर वो उनको ज्यादा तनख्वाह देगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। कैपिटलिस्ट को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, बात उन्होंने ये सामने रखी। अब क्या चीज की जाए, क्या उपाय किया जाए? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आप मेहनत तो डाल रहे हैं अपनी, बट उसका मुनाफा हो रहा है कैपिटलिस्ट को।
एक्चुअली में जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो लेबर के ऊपर होती है, उनका ये मानना था। तो आपको नहीं मिल रहा मुनाफा, अब इस समय पे क्या कीजिए, हमें रेवोल्यूशन करना है। हम सारे एकत्रित हो जाएंगे, पूरे दुनिया के जितने भी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो एकत्रित हो जाएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे और हम कर देंगे रिवॉल्यूशन। हम एक क्रांति लेके आएंगे जिसके अंदर हम सारे कैपिटलिस्ट को मार देंगे और उनकी जितनी भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे वो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पर अपना हक जमा लेंगे। और उस समय पे, क्योंकि कैपिटलिस्ट खत्म नहीं हुए होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पररी डिक्टेटरशिप लानी पड़ेगी। कुछ समय तक हम में से ही कोई लोग जो है उठ के उसकी डिक्टेटरशिप लेंगे और जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने के संसाधन है, उसको एकदम समांतर तौर पे ले आएंगे, सबके पास ले आएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब ये सोशलिज्म आ जाएगा, मतलब वहां पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, मींस ऑफ प्रोडक्शन पे सबका अधिकार होगा, तो ऐसे समय पे वो अपनी डिक्टेटरशिप छोड़ देंगे और वो आके उस नॉर्मल लोगों के अंदर बैठ जाएंगे। मतलब अब ऑल आर इक्वल, सब बराबर है, उन्होंने ये चीज सामने रखी। तो इस सोशलिज्म को कहा गया कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। आप देखिए कितना ज्यादा वॉयलेंट है, कितना ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो ऐसे सोचने वाला है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जो सोशलिज्म हमने अपनाया वो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, आप हमारा इतिहास पढ़ पा रहे हैं कि इस तरीके की तो कोई भी घटना हमारे यहाँ नहीं घटी। तो हमने अपनाया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये कहता है कि हम मिक्स इकोनॉमी पे चलें। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे लिए नेसेसिटी है उसके अंदर सरकार भी आएगी। सरकार इसलिए आएगी ताकि वो उन प्रोडक्ट पे मोनोपोली होने से रोक सके। जहां पे भी मोनोपोली होगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। तो सरकार उन सेक्टर्स में होगी जहां पे सोशल वेलफेयर की जरूरत है, या फिर जहां पे इतना ज्यादा जो है कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है कि लोग आना नहीं चाहते, वहां से उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजों के अंदर वो लोग उतरेंगे। तो इसलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी का एक फॉर्मेट चाहते हैं, जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी बट उसी के साथ साथ पब्लिक एंटरप्राइजेस भी होंगे, सरकार की भी जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी। तो इस तरीके का हमने सोशलिज्म देखा, जो कि मोनोपोली के खिलाफ था बट प्राइवेट प्रॉपर्टी फिर भी यहाँ पे थी। ये भी एक दौर था 1947 से लेके 1991 के बीच में, हमारे यहाँ लाइसेंसिंग राज था, तो उस समय पे ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था। जिस तरीके का हम ये सोशलिज्म देख रहे हैं वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था, बट जैसे ही 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, 1991 में क्या हुआ कि हम बाहर से चीजें, प्रोडक्ट तो इंपोर्ट तो कर नहीं रहे थे, जो रिक्वायर्ड थे वही कर रहे थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो उस समय पे जो उन्हें पेमेंट देना होता था वो डॉलर्स में देना होता था, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं था, बाहर वाले लोग नहीं ले रहे थे इतना, तो हमारा जो डॉलर था वो कम होते चला गया, अब हमें उन्हें पे करना था। तो इसको कहा गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उस समय पे हमारे पास सिर्फ 15 दिन के जो है पेमेंट बचे थे डॉलर के अंदर, उसके बाद खत्म होने वाले थे। तो हम गए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा मांगने, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कहा हम आपको पैसा तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं देंगे किसको देंगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी ओपन अप करनी पड़ेगी, मतलब लिबरलाइज करनी पड़ेगी, चीजों को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, सरकार को अपनी जो ताकतें हैं उसको प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ेगा, ठीक है, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, अपनी जितनी भी एंटरप्राइजेस है उसमें से कुछ उन्हें प्राइवेटाइज करनी पड़ेंगी। ग्लोबलाइज तो ऑटोमेटिकली, जब लिबरलाइज होगा, प्राइवेटाइज होगा, तो ग्लोबलाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि बाहर की इंडस्ट्रीज आएंगी। आपने देखा होगा केएफसी और मैकडोनल्ड्स 1991 के बाद आए, 1991 के बाद बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हमारे यहाँ पे आए। तो ये चीज थी जो हमने देखी। तो 1991 के बाद सोशलिज्म वाला फीचर थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज हम बिल्कुल भी सोशलिस्ट नहीं है। हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं, हम लोगों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, बट 1991 के बाद उसमें क्या है, थोड़ा सा रिडक्शन आया। सो दिस इज व्हाट सोशलिज्म फॉर यू। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सेक्युलर टर्म को। सेक्युलर टर्म को भी ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो मुझे ये चीज बताइए कि क्या हम धर्म निरपेक्ष नहीं थे? सेक्युलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो गया कि हमारा जो इंडिया है वो किसी भी एक धर्म के अंदर विश्वास नहीं रखता, वो सारे धर्मों को जो है इक्वली रिस्पेक्ट करता है, उनकी इक्वल आदर करता है, उनका इक्वल सम्मान करता है, ठीक। उसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक रिलीजन जो है वो स्टेट का रिलीजन नहीं।
तो यहाँ पे ये चीज बताइए, पूछी गई है आपसे कि क्या हम उससे पहले सेकुलर नहीं थे? जी हाँ, हम उससे पहले सेक्युलर थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जब पार्ट 3 पढ़ेंगे मेरे साथ, दैट इज फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वहां स्पेसिफिकली मेंशनड है कि हमें हमारे रिलीजन को चूज करने की, प्रोफेस करने की, प्रोपोगेट करने की कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। इंडिया का किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे रिलीजन नहीं है, हम सेक्युलर हैं, हम हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक, बिटवीन आर्टिकल 25 to 28, 25 से 28 के बीच में हम इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं, तो हम सेक्युलर तो पहले भी थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में डिफरेंस क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उस पर एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। तो जब इस चीज के ऊपर डिस्कशन आता है, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न इम्पोर्ट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, इंडिया का सेकुलरिज्म सबसे ज्यादा वाइड है। तो ये हो गया इंडिया का सेकुलरिज्म, ठीक, और ये हो गया वेस्टर्न सेकुलरिज्म। क्यों मैंने ऐसा बनाया उसके बारे में समझते हैं। स्टेट रिलीजन ये हो गया रिलीजन और ये हो गया स्टेट, ये हो गया इंडिया, ये हो गया वेस्ट। पहले वेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो वेस्ट के अंदर स्टेट और रिलीजन के अंदर कंप्लीट सेपरेशन है, मतलब ना तो रिलीजन किसी भी तरीके से स्टेट अफेयर्स में आ सकता है, गवर्नमेंट के अफेयर्स में आ सकता है, ना ही गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जो है रिलीजन के अफेयर्स में जा सकती है। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूएसए के अंदर रह रहा हूं और वहां पे एक मंदिर है जहां पे मुझे घुसने से मना कर दिया गया, मुझे बोला गया कि आप अंदर नहीं आ सकते, आपको अंदर नहीं आने देंगे, किसी भी कारणवश मुझे ये चीज बोली गई। मैं गया वहां के कोर्ट में और मैंने कहा कि मुझे इस तरीके से टेम्पल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, या मेरे जो रिलीजियस अधिकार है उसे प्रैक्टिस प्रोपोगेट करने का अधिकार मुझे नहीं मिल रहा। तो वो मुझे बोलेंगे कि देखिए वो आपका पर्सनल मैटर है, उसके अंदर हम इंटरवीन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, उसी के साथ साथ अगर इस तरीके की बात वो सामने रखते हैं कि हमने कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस बनाई हैं, तो उस गाइडलाइंस के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकते। बट जब हम इंडिया के अंदर बात करते हैं, इंडिया की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट जो है वो तो रिलीजन के अंदर इंटरवीन कर सकता है, बट रिलीजन स्टेट के अंदर नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा और ओपन अप करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज कि जब हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट ने बहुत बार रिलीजन के अंदर इंटरवीन किया है। जैसे हम शबरीमाला वाला टेम्पल जो है उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसी के साथ साथ हम ट्रिपल तलाक वाले एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो स्टेट के पास ये अधिकार है कि अगर उसे कुछ प्रोविजन सही नहीं लग रहे तो उसमें वो इंटरवीन कर सकता है। अगर उसे लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है किसी रिलीजन में, तो उसमें वो इंटरवीन कर सकता है। बट एट द सेम टाइम रिलीजन इंटरवीन नहीं कर सकता स्टेट के अंदर। रिलीजन को अगर कोई चीज खराब लगे स्टेट के अंदर, तो वो नहीं आ सकता। तो ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है काफी ज्यादा वाइड है, काफी ज्यादा यूनिक है, जबकि हम वेस्ट के सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा सीमित है। तो चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अब डेमोक्रेसी को, कि क्या कहता है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी सिंपली मींस कि जो हमारे रूलर हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, उनको इलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा? तो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, बाय द वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हर एक इंसान जो अडल्ट है वो वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगा। अब यहाँ पे पावर किसके हाथ में है? तो पावर हम लोगों के हाथ में है। कैसे हम लोगों के हाथ में है? अगर आपका एमपी एमएलए आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी चीजों को कंप्लीट नहीं कर रहा, आपके डिजायर्स को कंप्लीट नहीं कर रहा, तो आपको अगले 5 साल बाद, मतलब अगले वोट में उसे वोट नहीं डालना है, अगले इलेक्शंस में उसे वोट नहीं डालना है। इस तरीके से पावर आपके हाथ में, आपका जो वोट है ना, आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है इससे, बट वो बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करता है। अगर एक इंसान ऐसा सोचे कि यार मेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा, और सब लोग वैसा ही सोचने लगे, तो फिर जो वोट की पावर है वो डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो पावर हमारे हाथ पे है। अब यहाँ पे दो तरीके की डेमोक्रेसी हुआ करती थी। पहली इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में क्या हुआ करता था, लोग लिमिटेड हुआ करते थे, पॉपुलेशन लिमिटेड हुआ करती थी। तो उस समय पे
लोग जो लिमिटेड थे वो एक साथ इकट्ठे हो जाया करते थे असेंबली में, और असेंबली में इकट्ठे होकर डिसीजन बना लिया करते थे कि साहब हम इस तरीके का डिसीजन लेना चाहते। उस समय पे रहे होंगे 1000, 2000, 1500, कितने भी 10,000 तक मान लीजिए। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप शायद उन्हें अरेंज कर लें, बट 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को आप अरेंज कर पाएंगे कहीं एक जगह पे? और अगर आपने अरेंज कर भी लिया तो वहां की व्यवस्था किस तरीके से बनाएंगे? तो द पॉइंट इज कि जब हम 135 करोड़ हो गए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे लिए एक जो बोल सकते हैं हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इतने लोगों को आप कहाँ एक साथ इकट्ठा करेंगे, कहाँ असेंबली में बैठाएंगे। तो उस समय पे हमारे सामने आया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमने हमारे नुमाइंदे चुन लिए, रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, जिसे हम MPs और MLAs कहते हैं, और उन्हें हमने क्या किया, लेजिस्लेचर के अंदर भेज दिया, और उसमें से जिसने मेजोरिटी पाई उसने सरकार बना ली। तो ये हो गई क्या, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब आगे समझते हैं कि आज के समय में भी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब कुछ डिवाइसेस रखी गई हैं। रेफरेंडम, रेफरेंडम बेसिकली ये कहता है कि डायरेक्टली लोगों को वोट करने का अधिकार दे दिया जाएगा किसी भी इशू पे, और जो लोग उस पे चाहते हैं उसके हिसाब से डिस्कशन होगा, उस हिसाब से डिसीजन होगा। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट क्या कहता है कि प्लेबिसाइट ये सिंपली कहता है कि लोग वोट करेंगे बट अल्टीमेट अथॉरिटी जो है पार्लियामेंट अपने पास रखेगा। उसी के साथ साथ इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएट कर सकते हैं हम उस एम एंड ऑब्जेक्टिव को, इनिशिएट कर सकते हैं कि हम इस चीज पे लॉ चाहते हैं तो हमने उसे इनिशिएट कर दिया। रिकॉल, मतलब अगर हमारा MP और MLA ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम उसे वापस बुला लेंगे कि बोल देंगे कि भाई साहब आप वापस आ जाओ, अब आप पे हमारा विश्वास नहीं है। सो दीज आर दी डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया प्रेसिडेंशियल और एक हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर होने वाला है हमारे इसी कोर्स में, तो ज्यादा समय मैं यहां पे नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, और कोई भी टॉपिक मेरा मानना है अगर हम स्टार्ट करते हैं उसमें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो वो ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतना कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को हेड करता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहां पे इस बात को अभी हम रोकते हैं क्योंकि इस पे एक पूरा चैप्टर आने वाला है जिसके अंदर हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं और डेमोक्रेसी वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट में यूज नहीं किया गया है, इसको ब्रॉडर सेंस दिया गया है, इसे ब्रॉडर आउटलुक दिया गया है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ यहां सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात की गई है, उन सारी चीजों के बारे में भी बात की गई। हम समाज में भी बराबरी चाहते हैं, हम सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बराबरी नहीं चाहते, हम किसी भी तरीके से जाति पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो ये चीज नहीं चाहते। तो दिस इज द ब्रॉडर वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए आगे चलते हैं और अगला टर्म समझते हैं, दैट इज रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है इंग्लैंड की तरीके की और एक हो सकती है इंडिया के तरीके की। तो जब हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो हेरिडिटरी नहीं है, वो क्या है, उनको हम इलेक्ट करते हैं। और जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहां पे जो क्वीन है और किंग है वो हेरिडिटरी है, मतलब उनके बेटे पोते ही उस पोस्ट को होल्ड करेंगे और कोई इंसान नहीं कर सकता। तो इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि इंडिया जो है मोनार्की नहीं है, इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे उनका भी इलेक्शन होता है, इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है किसका, प्रेसिडेंट का, ये चीज। दूसरी चीज, ये और ज्यादा ब्रॉडर वर्जन भी है, इसके अंदर दो तीन चीजें बताई गई हैं। पहली चीज तो किसी के पास भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, किसी के पास भी कुछ खास अधिकार नहीं है। दूसरी चीज ये बताई गई है कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो हर एक इंसान के लिए ओपन है, हर एक इंसान उसके लिए कंटेस्ट कर सकता है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेदर वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और रिपब्लिक, सो वी हैव टू टिक द ऑप्शन ऑफ रिपब्लिक। अगला चलते हैं और समझते हैं जस्टिस के बारे में कि जस्टिस क्या कहा गया है। अब जस्टिस मतलब न्याय, न्याय देना, किस तरीके से न्याय देंगे आप लोगों को उसके बारे में एक यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो जस्टिस कितने तरीके के बताए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
इन इन पैमानों पे हमें न्याय देना है, इन इन डायमेंशंस पे हमें न्याय देना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोशल जस्टिस के बारे में। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजंस विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन एंड नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन। अब जब आप हमारी सोसाइटी को ध्यान से देखेंगे, उसके अंदर जाति कितनी है, वर्ण कितने हैं, उसके अलावा वेल्थ के ऊपर डिस्टिंक्शन कितना है, कलर के ऊपर डिस्टिंक्शन है, लैंग्वेज कल्चर के ऊपर डिस्टिंक्शन है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कल्चर है एक जहां पे ज्यादा नंबर में लोग रह रहे हैं वो माइनर कल्चर के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे हम ये चीज डिनोट करना चाहते हैं कि ये सोशल जस्टिस का एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान इक्वल है, हर एक इंसान बराबर है, उसको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, और कोई भी इंसान इंडिया के अंदर ऑन हिज बाय हिज सोशल बैकग्राउंड वो सुपीरियर नहीं हो जाता, वो बराबर है। तो ये कहता है सोशल जस्टिस कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना है, उसे समानता से ट्रीट हमें करना है। नाउ कम्स इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल एज द एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। पहला तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई अमीर है गरीब है उसके ऊपर जो है स्टेट का आउटलुक चेंज नहीं होना चाहिए, हमारा आउटलुक चेंज नहीं होना चाहिए। हमारा तो चलो फिर भी हो जाए, बट सरकार का आउटलुक चेंज नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान बराबर है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान बराबर ही है। दूसरी चीज, हम ये चाहते हैं कि इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज किया जाए, उन्हें कम से कम किया जाए, ठीक है, उन्हें धीरे धीरे डिक्रीज किया जाए, ये चीज हमारा ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस डिनोट्स दैट ऑल द सिटीजंस हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। हर एक इंसान के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। आर्टिकल 325 एंड 326 ये दोनों चीज उस चीज को डिनोट करती हैं, ठीक, दोनों चीज उस चीज को डिनोट करती हैं। यहाँ पे 325 कहता है कि जो इलेक्टोरल रोल है, वोटिंग लिस्ट है, उसके अंदर से किसी भी इंसान का नाम इस बेसिस पे डिलीट नहीं होना चाहिए कि वो किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी वर्ण से है, किसी जाति से। दूसरा 326 ये कहता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे आप इन चीज को भी समझने की कोशिश करिएगा, ये भी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो जब हम प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं, ये सारे फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो ये हमें एक आउटलुक दे रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि आप ऑब्वियसली पहले पढ़ रहे हैं, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि इसके अंदर तो वही सारी चीजें दी गई हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई। अब हम कहाँ चाहते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस हमने डीपीएसपी के अंदर दिया गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम बात करें इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी के फीचर कहाँ दिए गए हैं, इक्वालिटी के फीचर फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए गए हैं। ये वाले फीचर आर्टिकल 325, 326 में दिए गए हैं। तो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। अगर कोई प्रीएम्बल ढंग से समझ ले, ढंग से पढ़ ले, तो वो ये चीज जान पाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज दी गई है। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो वो ये चीज जान लेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तासीर क्या है, वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी मतलब हो गया आजादी। हर एक इंसान को आजादी होनी चाहिए अपने डिसीजंस खुद लेने की, अपनी एक्टिविटीज करने की। बट मुझे एक चीज बताइए कि क्या लिबर्टी जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, क्या आपके पास कंप्लीट लिबर्टी होनी चाहिए? जी नहीं, कंप्लीट लिबर्टी जब भी होगी तो वो लिबर्टी का हनन नहीं करेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। लिबर्टी अगर एब्सोल्यूट हो जाती है तो मेरी लिबर्टी जो एब्सोल्यूट है उसके थ्रू मैं किसी और की लिबर्टी ले सकता हूं, मैं मेरी लिबर्टी एक्सरसाइज करते वक्त किसी और की लिबर्टी को एनक्रोच कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिबर्टी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, मतलब उस पर कुछ जो है नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पहली चीज तो ये, तो ये किसके थ्रू हमें जो है मिले हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ये कहां से हमें मिलते हैं, कौन बताएगा मुझे? तो ये हमें मिलते हैं फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22, दैट इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है, वो हमारी लिबर्टी है, हम फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28,
दैट इज राइट टू रिलीजन। तो आप ये चीज देखिए कि ये जितनी भी चीजें हैं इनको इंप्लीमेंट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया गया है। जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे हर एक आर्टिकल को हम इन डिटेल उसका डेवलपमेंट उसको पूरा डाइसेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। लिबर्टी गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं। तो ये मतलब हो गया लिबर्टी का, मतलब हमारे पास आजादी है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं बट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो चीज एब्सोल्यूट हुई तो हम दूसरे इंसान की जो है लिबर्टी ले लेंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी का तो आप सबको मालूम है कि कहां कहां हमें किस किस तरीके की इक्वालिटी दी गई है। तो जब हम सिविक इक्वालिटी की बात करते हैं तो सिविक इक्वालिटी हमें दी गई है आर्टिकल 14 to 18, ठीक। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमने सिविक तौर पे एक इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम देख पा रहे हैं आर्टिकल 325 and 326। आप ये चीज देख पा रहे हैं, जैसे मैंने पिछले स्लाइड के अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया था, 325 ये कहता है कि किसी भी इंसान को डिस्क्वालिफाई नहीं किया जा सकता इलेक्टोरल रोल में आने से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और एनी अदर सच एस्पेक्ट। उसी के साथ साथ जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो चीजें दी गई हैं डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 39 के अंदर यह बताया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर एक मैन है और एक वुमन है उन्हें इक्वल पे मिलना चाहिए अगर उन्होंने समान काम किया है तो। तो इस तरीके से हम जो है इन तीनों डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी के पास भी जो है स्पेशल प्रिविलेजेस ना हो और उसी के साथ साथ हर एक इंसान को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिले। तो जब ये हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो पिछड़े दल हैं, उनके लिए स्पेशल फीचर्स भी रखे गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस भी रखे गए। आई अश्योर यू दैट यू विल डेफिनेटली लाइक आर वीडियो ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल द अनफिल्टर्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे जाके काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए समझते हैं आगे का एस्पेक्ट। तो अगला एस्पेक्ट कहता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या हो गया, ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इसके अंदर दो चीजें बताई गई हैं, सबसे पहले डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो पहला हम डिस्कशन कर लेते हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में। तो जब डिग्निटी की बात की गई है इसके अंदर नॉट ओनली इकोनॉमिक, बट पर्सनैलिटी एज वेल। ये यहां ये कहना चाहते हैं कि हम मानते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस इतना जो है सुदृढ़ होना चाहिए, उसके अंदर इतनी चीजें होनी चाहिए कि हर एक इंसान अपना खाना पीना खा पाए और एक इज्जतदार तरीके से रह पाए। बट सिर्फ उतना ही नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट हो, उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, वो अपने आप को भी डेवलप करे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ये आ गया डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर। अब बात करते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एड किया गया, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये चीज क्या कहता है, तो इसके अंदर दो तरीके के डायमेंशंस है, पहला हो गया साइकोलॉजिकल, दूसरा हो गया टेरिटोरियल। ये दोनों डायमेंशंस क्या कहते हैं, तो जब हम साइकोलॉजिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो वी एज पीपल ऑफ इंडिया, इंडियंस, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन हो गया। जो आसाम में रहता है वो भी इंडियन है, वो भी मेरा भाई है। जो तमिलनाडु में रहता है वो भी इंडियन है, वो भी मेरा भाई है। तो इस तरीके से ये जो हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि ऑल ओवर इंडिया में नो मैटर कितना हमारा कल्चर डाइवर्स है और कितना हमारे कल्चर के अंदर डिस्टिंक्शन है, हम हर एक इंसान को इंडियन की तरह देखते हैं और उनके साथ एसोसिएट करते हैं।
हम भारतीय हैं सबसे पहले। तो ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इंटीग्रिटी का, यूनिटी का, ये हो गया हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस का। दूसरी चीज, इसी के साथ साथ टेरिटोरियल एस्पेक्ट के बारे में भी बताया गया है कि जो हमारी बाउंड्री है उसे भी हम सिक्योर रखेंगे, यूनिटी के साथ रखेंगे और इंटीग्रिटी के साथ रखेंगे। मतलब किसी भी तरीके से उसे टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। तो दोनों चीजें आ गई, आपके माइंड रिलेटेड भी और इंडिया के टेरिटरी रिलेटेड भी। तो दिस वॉज अबाउट फ्रेटर्निटी। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जितनी भी हमारी ये फीचर्स थे और बोल सकते हैं हम एलिमेंट्स थे, उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल की, कि आखिर इंपॉर्टेंस क्या है प्रियम्बल की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये बेसिक फिलोसॉफी देता है और फंडामेंटल वैल्यूज देता है। अगर कोई इंसान शांति से बैठ के अपनी समझ के साथ प्रियम्बल को पढ़ ले, प्रियम्बल को समझ ले, तो वो ये चीज समझ जाएगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। उसे समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो एटलीस्ट ये तो बता पाएगा कि हमारे क्या है, किस तरीके की पॉलिटी है, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो एक बता देगा कि हमारा मूलभूत ढांचा क्या है, हमारे फंडामेंटल्स क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है। दूसरी चीज, विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फाउंडिंग फादर्स। इसके अंदर हम ये चीज देख पा रहे हैं कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं और उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने अपना एक विजन रखा है। आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था और वो अडॉप्ट होने के बाद क्या अडॉप्ट हुआ, प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ, उसके बाद प्रियम्बल को ऐड किया गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जब वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद फाउंडिंग फादर्स ने उसका जितना भी निष्कर्ष था, कंक्लूजन था और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे उसको साथ में लाके ये चीज बनाई, उसको साथ में लाके ये सामने हमारे रखा। ग्लिम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन टू आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ही अगर हम पढ़ने बैठे, जैसे कि मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दी, सेकुलरिज्म के बारे में बता दिया, सोशलिज्म के बारे में बता दिया, सॉवरेनिटी के बारे में बता दिया। वैसे तो इसका डिस्कशन काफी ज्यादा लंबा हो सकता था, जो कि ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे जब हम PSIR ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल जितना भी आपने डिस्कस किया वो इंडियन पॉलिटी के लिए काफी है। तो उससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो आ गई कि हमारे किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फीचर क्या है, उसकी क्या क्या जो है तकनीकियां हैं। तो ये सारी चीजें आपने जान ली। तो अब आप आगे का कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ हद तक आसानी हो जाएगी। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस थी। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले KM मुंशी, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। इन्होंने कहा प्रियम्बल इज होरोस्कोप ऑफ आर सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये कहना चाहते हैं कि ये एक तरीके से होरोस्कोप है, जिसको हम बोल सकते हैं ये जन्म पत्री टाइप है, जिसके अंदर से सारी चीजें हमें मालूम चल जाएगी कि किस किस तरीके का फ्यूचर रखता है हमारा इंडिया, किस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बात कही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसने, KM मुंशी ने। आगे चलते हैं और समझते हैं सर अर्नेस्ट बार्कर के बारे में। सर अर्नेस्ट बार्कर जो है पॉलिटिकल थिंकर थे, इन ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हमारे प्रियम्बल से और इन्होंने अपनी फेमस बुक के आगे भी अपना जो प्रियम्बल है, हमारे इंडिया का जो प्रियम्बल है वो प्रिंट किया। तो इन्होंने कहा कि दिस इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, दिस इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने काफी ज्यादा जो है इसे अप्रिशिएट किया और उन्हें बहुत ज्यादा वो चीज सही लगी। अब हम बात करते हैं पंडित ठाकुर दास भार्गवा के बारे में। तो पंडित ठाकुर दास भार्गवा तो काफी ज्यादा फैन हो गए हमारे प्रियम्बल के, उन्होंने काफी ज्यादा बातें बोली हमारे प्रियम्बल के बारे में। एक एक करके उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा दैट दिस इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफी ज्यादा प्रीशियस पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है आत्मा है हमारे संविधान की, उसी के साथ साथ इट इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये चाबी है। अगर किसी ने प्रियम्बल ढंग से समझ लिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीटली समझ लेगा। उन्होंने कहा कि ये ज्वेल सेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, काफी ज्यादा ही तारीफ करते हुए चले गए ये। उन्होंने फिर कहा इट इज प्रॉपर यार्ड स्टिक विथ वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये कहा कि ये इस तरीके का एक मापदंड है जिसके थ्रू आप ये चीज जांच सकते हैं कि हमारे संविधान का कितना महत्व है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इट इज मोर देन दैट।
उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डिक्लेरेशन है इंडिपेंडेंस का, उससे रिजेंबल करता है बट उससे काफी ज्यादा महत्व का है। ऐसी चीज उन्होंने क्यों कही? उन्होंने इसलिए कही क्योंकि ये हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी का पैटर्न भी लेआउट करता है। आप ये चीज देख सकते हैं कि किस तरीके का हम चाहते हैं इंडियन सोसाइटी को, ठीक है, वो चीज बताई गई, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिया। अब हमने इस तरीके से हमारा संविधान बना लिया है कि अगर अब इसे पूरा ऑल्टर करना हो, चेंज करना हो, तो कुछ नहीं कर सकता बट सिर्फ एक रेवोल्यूशन कर सकता है। तो ये चीज उन्होंने हमारे सामने रखी। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है बैरूगुरी यूनियन केस। बैरूगुरी यूनियन केस के अंदर पहले तो बहुत तारीफ करी गई प्रीएम्बल की। देखिए यहाँ पे बताया है, प्रीएम्बल शोज द पर्पस बिहाइंड द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पर्पस बताता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने किस पर्पस के साथ उन प्रोविजंस को बनाया है, किस एम एंड ऑब्जेक्टिव के साथ उस प्रोविजन को बनाया है। उसी के साथ साथ ये एक की है टू द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया वो इंसान तो चले गए, वो तो हमारे बीच में है नहीं। अब उन्होंने क्या चीज सोच के बनाई, उनका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव रहा होगा, इसका हम एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मन के अंदर झांक के तो कौन ही दे सकता है। तो उस अनुमान लगाने के लिए हमें प्रीएम्बल मदद करेगा। असिस्टेंस इन इंटरप्रिटेशन कैन बी टेकन फ्रॉम द प्रीएम्बल। असिस्टेंस ली जा सकती है प्रीएम्बल से, उससे मदद ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी प्रोविजन को वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो वहां पे असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके बाद ये चीज बताई गई है दैट इट इज सिग्निफिकेंट बट नॉट पार्ट। मतलब इतनी तारीफ करने के बाद भी क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सिग्निफिकेंट तो है बट ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आगे चलते हैं और इसे चैलेंज किया गया केशवानंदा भारती केस 1973 के अंदर। तो केशवानंदा भारती केस ने जो अर्लियर ऑब्जेक्टिव था, अर्लियर जो उनका एक ओपिनियन था, उसे चेंज कर दिया, उसे हटा दिया और बोला कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये चीज बताई कि प्रीएम्बल जो है वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस का है हमारे लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी लाइट में इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया सिंपली कि प्रीएम्बल मदद करेगा, प्रीएम्बल जो है एक तरीके से हमको दिशा दिखाएगा कि एक्चुअली उस प्रोविजन का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। उसी चीज को रीइंस्टेट किया गया इन एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995। एलआईसी ऑफ इंडिया केस में उसी चीज को जो है वापस बताया गया कि हाँ एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। तो इतने डिस्कशन के बाद में दो चीजों का हमें ध्यान देना जरूरी है। पहली चीज तो ना तो इससे लेजिस्लेचर कोई पावर डिराइव कर सकती है, मतलब यहां से लेजिस्लेचर को कोई भी तरीके की पावर नहीं मिलती, जैसे बाकी प्रोविजन से मिलती है कहीं ना कहीं, बट यहां से किसी भी तरीके की पावर नहीं मिलती। बट इसी के साथ साथ ये किसी भी तरीके से कोई भी लेजिस्लेचर की पावर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेजिस्लेचर जो चाहे वैसा बिल बना सकती है, लॉ बना सकती है, तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, दिस इज नॉन जस्टिशियबल इन नेचर। नॉन जस्टिशियबल इन नेचर का मतलब ये हो गया कि अगर इसमें दिया गया कोई भी प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं किया गया या प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो हम एज अ सिटीजन कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया। क्यों? क्योंकि ये पार्ट नॉन जस्टिशियबल है नेचर में, इसको जस्टिशियबल नहीं रखा गया, इस पर हम न्याय नहीं पा सकते। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कैन वी अमेंड प्रीएम्बल। ये डिबेट तब चालू हुई जब प्रीएम्बल को पार्ट नहीं माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो पहली चीज यहां पे डिस्कस करते हैं केशवानंदा भारती केस के अंदर। केशवानंदा भारती केस के अंदर ये चीज कही गई कि अंडर आर्टिकल 368 जो बेसिक एलिमेंट है, जो फंडामेंटल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रीएम्बल के अंदर दिए गए हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। पूछा क्यों, तो बोला कि प्रीएम्बल तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप उसे अमेंड कैसे कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर। तो कोर्ट ने कहा देखिए आपका लॉजिक तो बड़ा सही है, बट हम क्या करेंगे, हम उस चीज को रिजेक्ट कर देंगे, जो अर्लियर ओपिनियन है उसे रिजेक्ट कर देंगे, और अब हम ये कहते हैं कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, वो काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। बट यहाँ पे एक चीज और मानी गई कि किसी भी तरीके से अगर चेंज किया जा रहा है तो चेंज करिए, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, ये भी हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे ये चीज हम देख पा रहे हैं कि उसे अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस बाय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और दूसरी चीज, जैसे ही इसको प्रेजेंट किया गया प्रीएम्बल को, तो वहां पे यही चीज पे वो वोटिंग हुई थी कि अब हम प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाने वाले हैं, और उस पर सबने वोट किया, उसको एक्सेप्ट किया और प्रीएम्बल का पार्ट बना लिया, जिसके थ्रू कोर्ट ने भी ये कहा दैट प्रीएम्बल इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें किसी भी तरीके का हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको सारी चीजें आज के वीडियो लेक्चर में समझ आई होंगी, मजा आया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर, चैप्टर 4 आज हमने डिस्कस किया, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, किसी भी तरीके का डाउट होता है, बेहिचक पूछिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते, मैं टेलीग्राम के लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ, आप वहां जाके पूछ सकते हैं, बट पूछिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल येट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।